नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगेश ब्लॉक में। और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अपनी गाड़ी खड़ी है टाटा नैनो। और दोस्तों, इसका पिछला वाला टायर का हवा निकल गया है, पता नहीं कैसे हवा निकल गया है, आप लोग देखिए बताएंगे। और दोस्तों, आप लोगों के पास में मैं दिखाऊंगा, ये पीछे रखा है पंप। ये पंप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं भी इमरजेंसी में आप लोगों का टायर पंचर हो सकता है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। और मैं आपके लिए दिखाऊंगा, मेरे पास चेक करने का भी, हवा डालने का भी सारा सामान है अवेलेबल। आपके पास भी रखना ज़रूरी है, आप भी रख सकते हैं, और बहुत ही इमरजेंसी में काम आने वाला है, बहुत महंगा भी नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पंप है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं है, 250-250 रुपये का पंप मिलेगा। अच्छा पंप दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, 300-350 रुपये का पंप आता है। और दोस्तों मैं बताऊं, कहीं आप लोग हवा चेक करने के लिए, ये आप मेरे पास मीटर भी है अपना हवा चेक करने के लिए, कहीं हवा ज़्यादा ना हो जाए, कोई और दिक्कत ना हो, हम इससे हवा अपना चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना सभी सामान ये घर पर ले रखा है, आप लोग देखिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए भी ये पंप तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्यूबलेस टायर में कभी हवा कम हो जाए या फिर निकल जाए हवा, तो आप इमरजेंसी में इस पंप से हवा डाल के अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं, 2-4 किलोमीटर, 4-6 किलोमीटर। इसलिए तो दोस्तों अभी हवा डालेंगे, उसके बाद चेक करके भी दिखाऊंगा मैं आपके लिए। और दोस्तों बने रहें वीडियो में अंत तक। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हवा डल रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी फायदा इसमें यह है, अपना इलेक्ट्रिक से चलने वाले में थोड़ा दिक्कत रहता है कभी कभी, करंट कुरंट का दिक्कत रहता है। और इसमें दोस्तों कुछ नहीं, मैनुअल सिस्टम है, चाहे साइकिल में डालो, चाहे मोटरसाइकिल में डालो, चाहे ट्रैक्टर में डालो। और दोस्तों मैं ट्रैक्टर के बड़े पहिए में भी इसमें इससे हवा डाल लेता हूँ, इतना हवा डाल लेता हूँ कि वो आराम से चल के दुकान तक पहुँच जाए। और दोस्तों अभी हम इसमें भी हवा डाल रहे हैं, आपके सामने पूरा हवा डालेंगे, और पूरा भी नहीं हो सकेगा तो हम इसमें इतना डालेंगे जो हवा हमारी गाड़ी दुकान तक पहुँच जाए आराम से। बाल लीक पंचर क्या प्रॉब्लम है मैं आपके लिए अभी दिखाऊंगा कितनी हवा डल गई। और हमारा जिगड़ी खिलाड़ी लव हवा डाल ले आइए, ठीक है, बने रहें दोस्तों वीडियो में, पूरा मिशन सक्सेस रहेगा। हम कहीं भी भीड़ में परेशानी में फंस जाएं रात बिरात में, तो अपने डाल के और दुकान तक पहुंच सकते हैं आराम से। और दोस्तों देख रहे हैं आप, लगभग 20 पाउंड हवा आ चुकी है इसमें, मैंने मीटर लगा के आप लोगों को लिए दिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, इतनी हवा पे हम इसको दुकान पर ले जाएंगे, दिखाएंगे इसमें पंचर है, बाल लीक है, क्या दिक्कत है। कम से कम ये हमारे को टायर खोलना नहीं पड़ेगा दोस्तों अभी। और अभी देखिए हवा हमारी गाड़ी में भर चुकी है, अभी हम जा रहे हैं इसे घूमने, डाल लेके जा रहे हैं। और इसकी हमारी पीछे वाली नंबर प्लेट भी कहीं गिर चुकी है, और हम इसके लिए नंबर प्लेट भी इसमें लगाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं हवा की दुकान पर, नहीं जाएंगे दोस्तों, हवा मेरे हिसाब से ठीक हो गई, हमने चेक कर ली, जरूरत होगी तो घर पे ही डाल लेंगे। अभी थोड़ा ट्राई लेके आते हैं इसकी, घूम के आते हैं थोड़ा सा, बैठ जाओ खाली। चार चार और अभी रेडी हैं हम, चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा घूम के आते हैं। और काफी दिन से दोस्तों ये नैनू हमारी खड़ी है, चल नहीं पाई है, और इसमें खड़े खड़े ही हवा निकल गई थी। और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गाड़ी दोस्तों, एवरेज बहुत बढ़िया देती है, ये छोटी गाड़ी है, बहुत कम जगह में मुड़ना, बहुत कम मेंटेनेंस में चलना, बहुत ही अच्छा एवरेज देना दोस्तों, 25 के लगभग का एवरेज देती है पेट्रोल पे। और दोस्तों अभी हमने हवा डाली, और हवा डाल के हम चले आए हैं, थोड़ा घूमते हैं, और ये पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँचेंगे अभी, अभी घर से निकल आए हैं। देखिए दोस्तों, और मैंने आपके लिए पंप दिखाया दोस्तों, हवा डाली, कितना इमरजेंसी में काम आने वाला सिस्टम है, कभी आप रात बिरात में कहीं फंस जाएं तो 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी दोस्तों उससे आप हवा डाल के चल सकते हैं, टायर ट्यूबलेस हो या ट्यूब वाला हो। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि मैं एक बार दोस्तों फंस गया था तो मेरे को गाड़ी का टायर रात में ही खोल कर लाना पड़ा, बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। उसी दिन से मैंने पंप ही अपने साथ में रखना शुरू कर दिया। और आप लोगों को भी कभी इमरजेंसी आ सकती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।